Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rubina Malik. I just hope that you all are doing good. We are doing super good, alhamdulillah. So guys, मैंने अपने पिछले vlog में आप लोगों को दिखाया था कि we have bought an automatic machine. So आज उसमें हम कपड़े wash करेंगे. तो let's just see. ओके जी, सो दिस इज़ द बोर्ड जहाँ से हमें पता चलता है कि लाइट है या नहीं है, क्योंकि मैं घर में सारा टाइम लाइट्स ऑफ रखती हूँ. मैं जब अपनी अम्मी के घर होती थी अटक में, तभी मैं लाइट्स ऑफ रखती थी. अब यहाँ पे भी ऑफ रखती हूँ क्योंकि अंधेरों में रहना मुझे अच्छा लगता है. आप लोग में से बहुत से लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो ऐसा लगता है कि मज़े की ठंडक है. इसके अलावा वैसे मैं ज़्यादा टी वी लाउंज में बैठी होती हूँ, और ये जगह जो मीटर लगा हुआ है ये भी हमारा टी वी लाउंज में ही है. तो फ्रिज की क्रिक क्रिक से भी कभी कभी आइडिया होता है कि लाइट नहीं है. सो हम बात क्या करने वाले थे कि लाइट है, तो हमने सोचा कि जो हमने वॉशिंग मशीन ली है, जो कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाई थी, उसमें कुछ कपड़े धो लिए जाएं. ये है जी मेरा कपड़ों का ढेर, जो फ़िलहाल मैंने सोफ़े पर ही फेंका हुआ है. इनको मैं सोच रही हूँ कि वॉश करूँ. दिस वॉन्ट बी द फर्स्ट वॉश. इससे पहले हम जो है जब मशीन जिस दिन हम लेकर आए थे उस दिन काफ़ी दिन पड़ी है, फिर उसके बाद जब हमने इंस्टॉल करवाई तो हम मेरे हस्बैंड ने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े धोऊंगा. एंड आई वेंट लाइक ओके फाइन. लेकिन खैर उसमें भी मैंने अपनी एक शर्ट साथ में धुलवाई थी. मैंने कहा अकेले आपके तो हो नहीं सकते. तो जी चलते हैं, अब आपको वॉशिंग मशीन की तरफ लेके जाते हैं. तो जी इसकी इंस्टॉलेशन कुछ इस तरह से हुई हुई है कि इसका स्विच जो है वो बाहर लगता है. एक बटन लाइट का है, वो लाइट कहीं और लगे. ये वाला बटन जो है लाइट का है, और यहाँ से आई थिंक मशीन ऑन होगी. तो मशीन को करते हैं ऑन और चलते हैं अंदर. तो जी ये पड़ी है हमारी वॉशिंग मशीन. इसकी जो मैनुअल गाइड थी उस पर उन्होंने लिखा था कि इसको वॉशरूम में नहीं रखना, लेकिन हमारे पास कोई और जगह नहीं थी. वॉशरूम में ना रखने से उनका मतलब ये था कि डैम्प प्लेसेस पे नहीं रखना. तो हमने हमारा एक वॉशरूम जो है उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके तो हमने अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पर रख ली है. वैसे मेरा जो ओवन है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ब्लैक कलर में है. टच सिस्टम है उसका भी, और इसका भी टच सिस्टम है. तो बटन मैंने वहाँ से ऑन कर दिया है. अब हम प्रेस करते हैं पावर बटन. वाओ, जब हमने फर्स्ट टाइम ऑन किया था ये म्यूज़िक प्ले हुआ था, तो आई वेंट लाइक वाओ कितने मज़े का म्यूज़िक है. तो जी अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मशीन हो चुकी है ऑन. ऑन करने के बाद वैसे पहले भी हम कपड़े डाल के फिर ऑन कर सकते हैं. बकेट में आपने इतने कपड़े, इसको ऑफ़ कर देते हैं, मैं भूल गई हूँ कि क्या करना था. अच्छा जी पहले इसको ओपन करते हैं, और बकेट के अंदर हमको डालने हैं कपड़े. तो पहले हम अपने कपड़े डाल लेते हैं. सबसे पहले मेरी शलवार, फिर उसके बाद हमारा दुपट्टा. इस वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने की मैंने सिर्फ एक ही बात बताई थी कि आप लोगों के जिन कपड़ों से कलर उतरता है वो आप लोगों ने एक साथ नहीं डालने. तो अभी हम सिर्फ वही डाल रहे हैं जिन पर से कलर नहीं उतरता. तो हमारी जो बकेट है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, तो हम इसको करेंगे क्लोज. लास्ट टाइम जो हमने वॉश किया था दैट वाज द फर्स्ट टाइम, उसमें टाइमर हमने लगाया था. हम गए थे पावर ऑन करने के बाद, हमने नॉर्मल प्रेस किया था और टाइमर जो ऑटोमेटिकली लगा था दैट वाज 45 मिनट्स. लेकिन वो 45 मिनट्स जो हमारी नॉर्मल क्लॉक होती है उसके मिनट से बहुत स्लो टाइमर रन कर रहा था. मतलब यहाँ पे 1 मिनट होता था, और हमारे जो जो टाइम नॉर्मली हम फॉलो करते हैं उस पर 2-3 मिनट गुजर चुके होते थे. तो वो वाले कपड़े मेरे हस्बैंड के, तो उन पर ज़रा स्टेन्स वगैरह होते हैं क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो डस्ट एंड ऑल दैट. और मेरे जो कपड़े हैं वो उनमें इतने कोई ख़ास स्टेन्स नहीं हैं, सब एक एक दिन यूज़ किए हुए हैं. तो हम इसको सॉफ्ट वॉश में जाएंगे. सबसे पहले जी हमने सिलेक्ट करना है पावर, देन आपको नज़र आ रहा होगा कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल से हमने इसको नहीं होना प्रोग्राम करना है. ओके, तो प्रोग्राम के बटन से ही डाउनवर्ड जाके हमने जो है इसको सिलेक्ट किया है. और जैसे जैसे हम चेंज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग, नॉर्मल में यहाँ पे टाइमिंग्स कुछ और होती है और हैवी में कुछ और इसको ऑफ कर देते हैं. हाँ जी, तो टाइमिंग्स जो हैं जैसे जैसे हमारी प्रोग्रामिंग चेंज होती है. जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने नॉर्मल प्रेस किया था तो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम्ड होती है वॉशिंग मशीन वो नॉर्मल पे होती है, और टाइमर उसका होता है 45 मिनट्स.
तो मैंने जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी सॉफ्ट सिलेक्ट किया है तो उसका टाइमर शो कर रहा है 28। तो जी अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो अब हम आएंगे 28 मिनट्स के बाद। वैसे वो इसके 28 मिनट्स हैं, हमारे तो 40 प्लस मिनट्स होंगे। तो जी मिलते हैं बहुत सारे टाइम के बाद, जब ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा और हमारे कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। तो गाइस मैं हमेशा से ऐसे ही ब्लेंड करती हूँ। मैं इसकी जो वॉश ट्रे थी उसके अंदर सर्फ डालना तो भूल ही गई। शुक्र है कि अभी भी मुझे टाइम पर याद आ गया। इतना काफ़ी होगा क्योंकि हमने नई नई ली है तो इन सब चीज़ों की आदत पड़ते और ये चीज़ें याद रहते रखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं वैसे ही आई थी, मैंने कहा देखो ज़रा मेरी मशीन क्या कर रही है, तो मेरे माइंड में आया कि भाई मैंने तो डाला ही नहीं पानी, नहीं सर्फ। अब जी वापस से इसको बंद कर देते हैं। मैंने इसको पॉज किया था, तो अगर आप पावर का बटन दोबारा से प्रेस करते हैं तो सारा टाइमर दोबारा स्टार्ट से चलेगा, लेकिन अगर आप पॉज करते हैं तो फिर जो टाइम अभी जैसे कि स्टार्ट में 26 मिनट्स थे, नज़र क्यों नहीं आ रहा, सॉरी 28 थे, अभी 26 हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोबारा से स्टार्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। तो ओके जी, तो अब हमारे कपड़े जो हैं वो वॉश हो चुके हैं। बटन हमने पहले ही बंद कर दिया है ताकि करंट का कोई भी खदशा ख़तरा ना रहे। तो हम टॉर्च ऑन कर देते हैं। अब हमने रखी हुई है अपने पास एक बाल्टी, उसको थोड़ा सा फोर्स कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है, अच्छा तो ऐसे पड़े हैं, ऐसा करते हैं कि धीरे धीरे एक एक कपड़ा निकाल के तो बाल्टी में डाल देते हैं। इट्स ऑलमोस्ट ड्राई, ये जी जैसे कि आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनमें जी बहुत थोड़ी सी हल्की सी डैम्पनेस कह लें, नमी कह लें, वो है, तो उसके लिए हमने इनको बाहर खुली हवा में कहीं पे भी, कोई भी ओपन प्लेस जो आपके घर पे हो वहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए, आधा घंटा 20 मिनट्स आप इनको फैला के रखें, एंड देन यू आर गुड टू गो। इनको फोल्ड करें और अपने कपड़े में रख दें। इतनी आसानी से इतने ढेर सारे कपड़े आपके फौरन से धुल गए। ये बॉस बहुत दिनों से, अभी आपने जैसे मेरे कपड़ों को अंबार देखे, मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम वेट कर लो, वॉशिंग मशीन लेंगे तभी वॉश कर लो, उनको रहने दो। तो मेरा लास्ट जोड़ा ख़त्म होने से पहले, मतलब अभी जो फिलहाल मैंने पहना हुआ ये मेरा लास्ट जोड़ा है, इसके लिए मेरे पास पहनने के लिए कपड़े कोई नहीं होने थे। तो फिर चुप कर के हमारी मशीन आ गई और दिस इज़ द लास्ट। तो चलिए ओके जी, तो गाइस मशीन को कर देते हैं हम बंद और हम जाके ये कपड़े बाहर फैला देते हैं। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा और आप भी मेरे साथ कपड़े धोते धोते थक गए होंगे। तो अब आप भी रेस्ट करें, मैं भी रेस्ट करती हूँ। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।